फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है कि जैसा कि थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी थंबनेल कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा से अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का देखते होंगे कि इतना अच्छा अच्छा थंबनेल बना लेते हैं, कौन से ऐप से बनाते हैं, क्योंकि जब तक आपका थंबनेल बढ़िया नहीं होगा तब तक लोग आपके उस वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे। थंबनेल अच्छा रहेगा तभी आपके उस वीडियो पर क्लिक करेंगे और उस वीडियो को देखेंगे। अगर थंबनेल बढ़िया नहीं रहा तो उस पर व्यू कम आने के चांसेस हैं। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा से अच्छा थंबनेल बनाना सिखाऊंगी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, उसमें आपको पिक्सेल लैब सर्च कर देना है। तो सबसे पहले इसे आप इंस्टॉल कर लोगे, पिक्चर एडिटर। अगर आप लोग अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लोगे। तो मेरे में ये डाउनलोड हुआ है तो इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो थ्री डॉट दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इमेज साइज सेलेक्ट कर लेना है। कस्टम पर क्लिक करके सबसे पहले आपको यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आपका ये थंबनेल साइज का बन जाएगा। उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको पहले डिलीट कर देंगे यहाँ से, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसका आपको कलर चेंज कर लेना है। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कलर, सिंपल एक कलर लेना है। तो कलर पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो। अगर यहाँ नहीं है तो प्लस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो ओके पर क्लिक करके। ये तो हुआ एक कलर। उसके बाद जो नीचे दिया हुआ है ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करोगे तो दो तीन कलर में ये हो जाएगा। अगर यहाँ मैं तो इसे की हूँ यूज़, इसलिए यहाँ दिख रहा है। अगर आप में नहीं है तो प्लस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ये कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, ओके पर क्लिक कर देना। और ये जो येलो दिख रहा है यहाँ पर आपको अगर दूसरा कलर लेना है तो यहाँ से कर सकते हो, दूसरा कलर यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो ओके। उसके बाद अगर बीच में वाइट भी लेना है या कोई भी कलर तो इस प्लस पर करके बीच वाले भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आप कलर पर सेलेक्ट करके यहाँ से वाइट कलर या तो जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये हो गया बैकग्राउंड। उसके बाद आपको क्या करना है, तो मैं अभी ये वाले बैकग्राउंड को ले लेती हूँ, ठीक है। राइट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, प्लस पर क्लिक करके आपको ड्रॉ पर क्लिक करना है। उसके बाद कोई भी जैसे ब्लैक में ले लेती हूँ और फिर इनसाइड को ऑन कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ से साइज अपना अपने साइज में यहाँ से पेन का साइज और स्मूथनेस को सिलेक्ट अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से कुछ ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद ये बन गया, इस पर क्लिक करके ये हो गया एक PNG फॉर्म में इमेज। तो इसको अपने अनुसार यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इस इमेज का कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ से कलर पर क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे, फिर यहाँ से जो भी कलर लेना है तो मैं इसे येलो कलर में ले लेती हूँ। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देती हूँ और इसका स्ट्रोक ऑन कर देते हैं ब्लैक कलर में साइड का। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा शेडो कर देते हैं, अनेबल कर देते हैं शेडो को ब्लैक लेकर। इसे आप इस तरह सेट कर सकते हो, राइट पर क्लिक कर देना, ये बन गया। अब क्या करना है, प्लस पर क्लिक करके आपको गैलरी से इमेज ले लेना है। तो इस इमेज को मैं ले लेती हूँ। उसके बाद दो तीन इमेज और ले लेती हूँ। प्लस पर क्लिक करके एक और इमेज ले लेती हूँ। अब इसको थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा तिरछा कर देती हूँ ताकि दिखने में सुंदर दिखे। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से ड्रॉ पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्लैक में क्लिक करना है, ब्लैक कलर्स या अपने अकॉर्डिंग जो भी सही लगे। पेन साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर यहाँ से एक ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जो भी, ताकि इसमें ऐसे सेट करते बने। इसी का कॉपी कर देती हूँ पोजीशन से।
उसके बाद यहाँ जाएंगे, उसके बाद इसको एडिट पर करके इसको नीचे कर देंगे, इसे भी नीचे कर देंगे। अब इसे कर देते हैं थोड़ा सा, इसके साइड में स्ट्रोक लगा देते हैं ताकि सुंदर दिखे दिखने में, ब्लैक कलर में तीनों में। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको लॉक कर देना है। जितना हम लोग कर चुके हैं उसको लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर ये अब इधर उधर होना, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इस पर प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से अपना एक इमेज ले लोगे जो कि पीएनजी फॉर्म में है। उसके बाद इसका इमेज का थोड़ा सा शैडो लगा देते हैं किनारे, एक पहले स्ट्रोक कर देते हैं वाइट कलर में, उसके बाद थोड़ा शैडो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑन कर लेते हैं ताकि दिखने में सुंदर दिखे। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल साइज में बना लेना है, राइट पर क्लिक कर देना है, इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं ताकि दिखने में सुंदर दिखे। उसके बाद इसे इस पर क्लिक करके इसे बैक में कर देना है, ठीक है। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से रेड कलर ही कर लेते हैं, ठीक है। राइट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्या करना है, इस पर प्लस पर क्लिक करके आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस पर लिख देंगे थंबनेल, ओके पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा इससे भी तिरछा कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ग्रेडियंट में कर देते हैं ताकि सुंदर दिखे। और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा वो कर दे, स्ट्रोक पर क्लिक कर देते हैं, ऑन कर लेते हैं, साइज 5, 6 में 7 में हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना उसके बाद शैडो कर देते हैं, शैडो को भी ऑन कर देते हैं, इसे भी ऑन कर देते हैं, उसके बाद प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करोगे। उसके बाद मैं इसे एक डाउनलोड की हूँ, इसको अब प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से लिख देते हैं कैसे बनाएं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, प्लस पर क्लिक करके यहाँ से मैं एक पिक्सल लैब का इमेज ले लेती हूँ इसको, और इसका स्ट्रोक ऑन कर देती हूँ ब्लैक कलर में, और इसको एक और कॉपी कर लेती हूँ इसका, इतना कर लेने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, अरे यार ये हिल जा रहा है, इसको पहले लॉक कर लेती हूँ ताकि इधर उधर ना हटे ये सबको, अब ये इधर उधर नहीं हटेगा लॉक कर देने पर, इसे मैं यहाँ कर देती हूँ। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद ब्लैक पर क्लिक करके ब्लैक कलर यहाँ से साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया। इस पर राइट पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ एडजस्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ से प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं एक यूट्यूब का दे लेती हूँ लोगो, और यहाँ से फिल कर देती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं,
कॉपी करके एक एक और कॉपी कर लेती हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा छोटा बड़ा कर लेती हूँ ताकि दिखने में सुंदर दिखे। इतना कर लेने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करके एक यूट्यूब का लोगो और ले लेना है और यहाँ से लगा देते हैं इसे। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके अपना एक लोगो लगा देती हूँ सर्कल पर करके। फिर प्लस पर क्लिक करके यहाँ से एक एरो को ले लेती हूँ। तो फाइनली हम लोग का थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार आप भी अपना थंबनेल बना सकते हो। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से आप हाई क्वालिटी में सेव कर सकते हो 7680 और हाइट में 43:20। ये रेशियो डालकर आप इसे सेव कर लोगे सेव टू गैलरी, तो इससे आपका बहुत हाई क्वालिटी में सेव हो जाएगा। बहुत लोग क्या होता है कस्टम पर क्लिक करके अल्ट्रा में क्लिक करके सेव करते हैं, तो उससे भी ये ज़्यादा हाई क्वालिटी में होता है सेव। आप करके देख सकते हो, कितना भी जूम कर लो फटेगा नहीं। तो आप लोगों को यह थंबनेल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टैक से रिलेटेड वीडियो और पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि नया वीडियो आते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ ताकि मेरा नया वीडियो आते ही उसमें डाल दिया जाता है जिसे आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसे आसानी से देख सको। तो मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।